एलसीएल इंडिया लिमिटेड पल्स में निवेशकों का जमा पैसा दिलवाए जाने हेतु नरवर में निवेशकों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। नरवर मुख्यालय पर पीएसीएल इंडिया लिमिटेड पल्स के निवेशकों का जमा पैसा दिलवाने हेतु नरवर के निवेशकों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया है कि पिछले कई वर्षों से यानी 1983 से पल्स ग्रुप के सीएमडी निर्मल सिंह भंगू द्वारा किस्त भुगतान आरडी और एक मुश्त भुगतान एफडी योजना शुरू की गई थी। पल्स ग्रुप की पीएएसएल की योजना सन 1996 से प्रारंभ हुई, जिसके मुख्य डायरेक्टर सुभद्र भट्टाचार्य और अन्य 10 लोग हैं। कंपनी ने देश भर में लगभग 5.85 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय जनता से निवेश किया है, जिसकी भुगतान राशि 49,100 करोड़ सेवा द्वारा आंका गया, जो वर्तमान में ब्याज सहित 90,000 करोड़ हो गया है। सेवी द्वारा 22 अगस्त 2014 को पल्स ग्रुप पीएसीएल कंपनी पर रोक लगाकर कंपनी के बैंक खाते सील कर दिए गए हैं। हम निवेशकों को आज दिनांक तक कोई पैसा नहीं वापस मिला है। उन्होंने निवेशकों से सेवा और लोडा कमेटी से पैसा दिलवाए जाने की मांग की है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? अजमेर की कोटिया। कहाँ रहती हूँ? नरवर वार्ड क्रमांक 2। किस समस्या को लेकर ज्ञापन दिया था? पीएसएल कंपनी में जमा पैसा नहीं मिलने के विरोध में आज ज्ञापन दिया गया। कितना लगभग रुपए जमा होगा इसमें? करोड़ों रुपए, इसमें 49,100 करोड़ रुपए जमा है पीएसएल कंपनी में लोगों का, जो आज दिनांक तक वापस नहीं मिला है। सेवी द्वारा, लोड़ा कमेटी द्वारा पैसा गुमराह करके पैसा नहीं दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आदेश क्रमांक 13/301/15, उसमें आदेश दिया गया कि पीएसएल की जो अचल संपत्ति है, 192 जिलों में पीएसएल कंपनी की अचल संपत्ति है, उसको बेचकर पैसा वापस करना था, लेकिन 2016 से अभी तक पैसा नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश 2 फरवरी 2016 को किया था, जिसमें 6 महीने का समय दिया था, 2 अगस्त 2016 को पैसा वहाँ तक वापस करना था, लेकिन कंपनी ने ना कंपनी वापस कर रही, ना लोड़ा कमेटी कर रही, ना सेवी कर रही, ना सरकार हमारी सुन रही। सरकार को कई साल हर महीने या 2 महीने में ज्ञापन देते हैं, लेकिन ना तो कोई पीएम की सरकार सुनती है, ना प्रदेश सरकार सुनती है, ना केंद्र की सरकार सुनती है। पैसा जमा कैसे हुआ था? कंपनी क्या गाइडलाइन थी उस समय? कंपनी की गाइडलाइन थी, परमिशन लेके एफडी आरडी के थ्रू पैसा जमा करते थे। एक आरडी किस्त थी, जो किस्त भुगतान के ऊपर मंथली, तिमाही, छमाही, वार्षिक, और एक एफडी एक मुख्य किस्त भुगतान, जिसमें 50,000 की, 1,00,000 की, 10,000 की, ऐसे करके एफडी जमा करते थे। वो पैसा काफी नरवर क्या छोड़ के पूरे हिंदुस्तान का 5 करोड़ लोगों का पैसा जमा हुआ है, और लगभग 49,000 करोड़ रुपए वापस नहीं मिला है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान का निवेशक पल्स से पीड़ित है, और वो प्रयास कर रहा है कि पैसा जल्दी जल्दी शीघ्र दिलाने की कृपा करें। आज आप, क्या आपसे कौन पैसा लेता था, कहाँ जमा करते थे आप लोग? हम लोगों से एंड के थ्रू पैसा जमा होता था, कंपनी में जमा करते थे, कंपनी वाले जमीन खरीदते थे, और उसकी आज भी जमीन हिंदुस्तान में पड़ी हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वो जमीन न तो बेच रहे, न कुछ कर रहे, लॉकडाउन बताते हैं, कुछ बताते हैं, और अभी तक किसी को पैसा नहीं दिया। मैंने एक सूचना के तहत जानकारी मांगी थी, उसमें न जानकारी दी, और उन्होंने एक लेटर डाला है जिसमें वो कह रहे हैं 15,000 तक का पेमेंट हमने कर दिया, 83,00,000 लोगों का पेमेंट कर दिया, लेकिन किसी को पेमेंट नहीं मिला है। कंपनी से आपने संपर्क किया था, क्या आश्वासन मिला था? कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, उनको 5 डायरेक्टरों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार उन्हें जेल में डाल दिया गया, वो आज भी जेल में है। कंपनी का जो संपत्ति है वो सरकार के पास पहुंची है, सरकार पैसा देने में और लोड़ा कमेटी देने में आनाकानी कर रही है। आगे की क्या रणनीति आप लोगों की? आगे की रणनीति ये है, अभी हमने ज्ञापन दिया है राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के लिए, उनसे हमने मांग की है जल्दी से जल्दी सेवी और लोड़ा कमेटी से। मांग नहीं मानी तो क्या करेंगे? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।